राशिद भाई एक सवाल कर रहे हैं कि मुझे एक बात समझाओ, इनफैक्ट एक नहीं मनु दो गल्ला समझाओ, और वो दो बातें कौन सी हैं। पहली बात कि हमारा जो फास्ट बॉलर अपने कैरियर का स्टार्ट करता है, कितनी पेस है जनाब, 140, 145, फॉर दैट मैटर 150, ठीक हो गया। इनको फिर कोई समहाउ दी अदर इंजरी होती है, ये जनाब गायब होते हैं। इंजरी हुई है तो ऑब्वियसली वो जाकर रिहैब और वो सर्जरी या जो भी सारा मामला, ये जब वापस आते हैं तो सीधा 145 से ये 125 30 के कैसे रह जाते हैं। प्राइमरीली एज पर राशिद भाई, पाकिस्तान के साथ फर्स्ट टेस्ट मैच में यही हुआ कि हमारे बॉलर्स की पेस ही कोई नहीं थी। 125 30 35 पेस के ऊपर उन्होंने बैटिंग विकेट पर ठोक दिया हमारी बॉलिंग को, ठीक है। अब राशिद भाई को ये लगता है कि हमारी हमारा जो स्पोर्ट्स स्टाफ है ना हमारी टीम का, वो लड़कों के ऊपर उस तरीके से काम ही नहीं करता। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें ये जो बॉलर्स हैं जितने भी, इनका खुद का कितना दोष है, अब वो कौन कैलकुलेट करे। देखें, नसीम को आप थोड़ा सा एज दे सकते हैं कि यार वो अभी टेस्ट क्रिकेट में वापस आया, मे बी उसे थोड़ा सा रिदम में आने में एक दो मैचेस लग जाएं, दो तीन मैचेस लग जाएं, चार पांच मैचेस लग जाएं, चलो इससे ज़्यादा नहीं। खुरम का भी सेम है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हुआ, वो इंजरी के बाद उसने भी अभी टेस्ट जो है वो, जिसे कहते हैं टेस्ट, अपनी कैरियर वो दोबारा से स्टार्ट की है रिलेटिवली, तो वो थोड़ा नया भी है, तो उस इन दोनों को तो ये एज दिया जा सकता है। शाहीन को तो आप ये भी एज नहीं दे सकते, वो खेले जा रहा है। अब आप कह देते हैं कि शाहीन के वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू है, मुझे नहीं लगता वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू आप शाहीन का अगर दूर कर भी देंगे ना, तो शाहीन की पेस क्यों नहीं निकल पा रही। आपको पता है शाइन से रिलेटेड तो ये भी बातें होती हैं, इसका रिहैब ही कंप्लीट नहीं हुआ, कोई कहता है इसका रिहैब कंप्लीट ठीक नहीं हुआ, कोई कहता है इसका रिहैब ओवरऑल ही ठीक नहीं हुआ। ये एक ठीक ठाक किस्म का कॉज ऑफ कंसर्न है कि भाई हमारी जो पेस बॉलिंग है ना, वो इतनी जिसे कहते हैं रैटल्ड नजर आती है कि बांग्लादेश वालों ने हमें ठीक ठाक किस्म का कूट दिया। और प्राइम और राशिद भाई भी ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर वो जो ब्रेक डाउन पेस है ना, वो चूंकि ब्रेक नेक पेस, वो चूंकि हमारे बॉलर्स की थी नहीं, और ये हमारी डिफीट का रूट कॉज है। एक राशिद भाई का ये है। दूसरी राशिद भाई का, जो कि मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि ये जो रीज़न है ना यही बहुत है। बाकी वो राशिद भाई को ये लगता है कि हमने डिक्लेयर जल्दी कर दिया 448 पे, हमें कम अज़ कम 500-550 पे जाना चाहिए था। हम 500-550 अब कहते हैं ना कि जब हमें हमने देखा कि वो तो हम 500-550 करके 100 रन की लीड ले गए, ये तो अब हमें नजर आता है। अगर मैं इसी को कहूं कि आपने 450 किया था, आप उनको 300-350 पे आउट कर देते, तो सरकार 100-150 रन की तो लीड आपके पल्ले थी। आपने फिर क्या करना था कि आप अगर इस किस्म की भी, जिस तरह की आपने बैटिंग की है सेकंड इनिंग्स में, अगर इस किस्म की भी बैटिंग करते कि चलो 150 तक ही कर लेते, तो 150 में आप 200-250 ऐड कर लें। आप 150-150 आपने ये किया, 100-150 की आपकी लीड, तो आप 250-300 का टारगेट देकर बैठे होते, जो कि डेफिनेटली बांग्लादेश के लिए मुश्किल होता। दो के सीरियसली एक बात बताऊं, इस पेस के सामने तो पता नहीं मुश्किल होता या नहीं, लेकिन अगर वो जो इसे कहते हैं ना एक क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के एक अनरिटन रूल को अगर देखा जाए, तो चौथी इनिंग में इतना टारगेट जरा जिसे कहते हैं अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता। मैं अभी तक इस चीज़ के ऊपर वो नहीं हूँ, हालांकि शान मसूद ने मज़े की बात है इस चीज़ के ऊपर माफ़ी भी मांग ली है कि डिक्लेरेशन ज़रा जल्दी कर दी हम लोगों ने। मुझे अभी तक नहीं लगता कि डिक्लेरेशन में कोई मसला है, डिक्लेरेशन की बात तो अब आकर हो रही है ना जब टेस्ट मैच हम हार चुके हैं। उसी टाइम हो जाती तो फिर भी कोई बात थी, उस टाइम किसी ने नहीं की, अब एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी ने की हो कि भाई 450 कम है इस विकेट के ऊपर। वो तो जब उन्होंने 550 कर दिया तो फिर शुरू हो गए कि जनाब डिक्लेरेशन जल्दी है। मुद्दा है आपकी पेस बॉलिंग ठुस्सी पड़ी हुई है, ठुस्सी जिसको कहते हैं, आपकी पेस बॉलिंग कुछ नहीं कर सकी। आप उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे थे क्योंकि आपने चार मेजर पेसर डाले हुए थे, पांचवा जो आपने बॉलर है वो सलमान अली आगा को आपने इस्तेमाल किया, सॉरी टू से, अच्छा माजरत, पता नहीं यार वो घर वालों ने समोसा खिला दिया है, फंस गया इधर सीने में, बंदा पूछे यार बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए यार इतनी, खाओ खाओ खाओ, अब वो सीने में फंसा पड़ा हुआ है। अच्छा खैर, कहाँ थे हम, हाँ देखो, हमने सलमान अली आगा को एज ए फिफ्थ बॉलर यूज़ कर लिया, हमें वो एक हमारे सर पे बर्डन पड़ा। फिर दूसरा, शान से एक टेक्निकल गलती ये हुई है कि जब तूने देखा है कि साइम यू विकेट ले गया, वो भी शकीब की, तो भैया उससे गेंदे कराता ना ज़्यादा, उससे सिर्फ 7 ओवर करवाए हैं। ये एक और इशू है कि भाई सलमान अली आगा के ऊपर वही तो थोड़ी उतरी हुई है कि यार इसी से करवाना है,
अबरार की वो जेसन गिलेस्पी ने उसके बारे में कह दिया तो जी ठीक है, और जेसन गिलेस्पी ने उसके बारे में कह दिया, जेसन गिलेस्पी के बारे में तो वो पता नहीं, अभी कोई मुझे उस दिन बता रहा था कि पता नहीं कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसन गिलेस्पी नहीं नसीम शाह ने शायद कहा कि हमारे पास तो ऐसा जेसन की तरफ से दिया हुआ कोई प्लान भी नहीं है। तो अब ये चल क्या रहा है यार, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो कि तुम लोग इधर वो जिसे कहते हैं रड़े थे मिल मैया वाला खेल रहे हो, है जंपिंग जपांग कर रहे हो एक दूसरे के साथ यार। पता नहीं यार अब ये कैसे ये चीज़ें ठीक करेंगे, ये सारे अपने आप में फनकार बने हुए हैं, सारों को ये लगता है कि हमसे बड़ा कोई प्लेयर कोई नहीं है, औकात इनकी वर्ल्ड क्रिकेट में जिसे कहते हैं छूतों वाली भी नहीं रही, और इनकी जो जिसे कहते हैं शाह खर्ची हैं वो आपके सामने हैं। मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आ रही कि ये इस टीम का क्या बनेगा, हमारी क्रिकेट का क्या बनेगा, ऐसा कोई डाउन साइड पर हम जा रहे हैं कि यार किसी को परवाह ही नहीं है। ये बिल्कुल वही बात है, आपके पास माउंटेन बाइक है, आपके साथ एक छोटा सा बच्चा रेस लगा रहा है अपनी ट्राई साइकिल के ऊपर, और एट दी एंड आप देखते हैं बच्चा ट्राई साइकिल के ऊपर आपसे रेस जीत गया है, तो आप ये नहीं सोचते कि यार बच्चे ने बड़ा कमाल किया है। आपको पता होता है कि यार बच्चे की कितनी ही तेड़ होगी, कितनी ही तेज ट्राई साइकिल चला लेगा। मसला इधर है, जिसके पास माउंटेन बाइक थी वो नहीं कुछ चला सका, तो इसका मतलब है कि इधर इशू है। तो इशू ये जो बॉलिंग में है हमारी, बैटिंग तो हमारी पहले ही जिसे कहते हैं कि वो जिसे कहे वो क्या उसको कहेंगे ग्लूकोज की ड्रिप लगी पड़ी होती है हमारी बैटिंग को, हर फॉर्मेट में, हर फॉर्मेट में, किसी एक फॉर्मेट में ऐसा नहीं है कि हमारी बैटिंग चल जाए। ये T20 के प्लेयर समझे जाते हैं, T20 के टुलर भी नहीं है, ये ODI क्रिकेट के जिसे कहते हैं चैंपियन समझे जाते हैं हमारी बैटिंग लाइन में जो बैटर्स हैं, ये वहाँ पर भी कुछ नहीं करते, ये टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ नहीं करते। अल्टीमेटली ये कोई बच्चे बूचे आ जाते हैं, नेपाल जिम्बाब्वे टाइप की सीरीज़ इनको मिल जाती है, ये उनको हरा लेते हैं, उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड्स बना लेते हैं, अल्लाह ते खैर सल्लाह, ओ बड़ा काम किया जनाब। सर आपके पास जेन्युइन ना कोई बैट्समैन है मैच विनर, ना आपके पास बॉलर मैच विनर है। अब आप खुद सोचें, जोफ्रा आर्चर 2 साल बाद आया है, अनफिट हुआ 2 साल बाद आया है, पेस में ना 1 किलोमीटर फी घंटा का भी डिक्लाइन नहीं आया। जसप्रीत बुमराह साल बाद आया, अनफिट हुआ था, इंजरी हुई, साल बाद आया, पेस वहीं का वहीं, कायम और दायम, तरोताज़ा। पैट कमिंस का सेम यही इशू, दुनिया भर का जो फास्ट बॉलिंग है वो इंजरी से वापस आता है, पेस नहीं गिरती, फॉर दैट मैटर मोहम्मद शामी को भी इंक्लूड कर लें, पेस किसी की नहीं गिरी। हमारों की यार 145 से 125-130 पे आ गए हैं, तो उसका मतलब है कुछ चल रहा है इनके, इसका मतलब है कि देर इज समथिंग रॉन्ग, या तो इनकी इंजरी या इनका रिहैब सही नहीं हो रहा, या इनके ऊपर सही तरीके से काम नहीं हुआ, या ये खुद काम चोर हैं, ये जल्दी जल्दी में वापस आ गए हैं कि कहीं हमारी जगह कोई और ना ले जाए परफॉर्म करके, इनके तो ये भी बड़े इनसिक्योरिटीज़ के मसाइल हैं ना। तो आई डोंट नो, अब राशिद भाई ने तो अपना जिसे कहते हैं कंसर्न रेज किया है, तो अब देखते हैं आगे PCB इस मामले पर क्या करता है। PCB ने कुछ करना होता तो पहले ना कर चुका होता, वैसे चल रहा है, चलने दो। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।